तीसरा महीना लग गया हमारा घर से बंदा गायब हो रहा जी, उसकी आज तक भी कोई सुनवाई नहीं की। एमएलए का कुत्ता गुम हो जाए, मेयर का कुत्ता गुम हो जाए, तो ये थाने वाले निकल के भाग ले। वो कह रहे जी हमारी तो तफ्तीश पूरी हो गई है, अब आप एसपी पे जाना चाहते हो एसपी पे चले जाओ। ये हम तो हार गए, थक थक है तो चाहे हमने गाड़ी तक कम मरना पड़ी फिर जेल हो जाए तो। अरे इन बेचारों को बता दो मशीन का डिपार्टमेंट कहाँ है, कहाँ वो कहाँ जाके पूछताछ कर रहे हैं। और उन्हें कह दे उड़े जाओ पूरा, तो उन्हें कह दे वहाँ जाओ। कहते हैं कि पुलिस के हाथ बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, लेकिन इतने भी ज्यादा लंबे हाथों का क्या फायदा जो किसी को पकड़ ना सके, किसी को ढूंढ ना सके। जी हाँ, ये मामला है हिसार के मिलगेर क्षेत्र के अंदर पड़ने वाले एसटीएम थाने का, जहाँ पर एक परिवार रोजाना 2 महीने से चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि उनका पिता जो है, उनका बेटा जो है, उनका पति जो है, वो लापता हो चुका है और उसी को ढूंढने के लिए लगभग 2 महीने का समय हो चुका है। ये बात है 10 अक्टूबर की, लगभग 10 अक्टूबर को वो व्यक्ति हिसार की नई सब्जी मंडी के अंदर गया था, लेकिन उसके बाद से वो आज तक घर नहीं लौटा है। चक्कर काटते हुए परिवार को लगभग 2 महीने का समय हो चुका है, और कुछ ही समय पहले 3 से 5 दिन का समय दिया था पुलिस ने नई सब्जी मंडी चौकी के अंदर, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई है। जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हो रहा है। उस दिन मौसम खराब था, तो गाड़ी घर पे ही खड़ी करके मैं गाड़ी सब्जी ले लूं, उसके बाद में गाड़ी लोड करूंगा। उसके बाद में हमने कोई पता ही नहीं वो कहाँ तो गए कहाँ नहीं गए, रूटीन में जाता था जी, कोई ऐब नहीं, कोई शिकायत नहीं, कुछ नहीं, लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं है। घर से जाते हैं तो फोन भी साथ लेकर? हाँ जी, फोन लेके जा रहे, उस दिन से फोन भी स्विच ऑफ है जी हमारा। ललित जी मुझे ये बताइए की अगर आज की बात की जाए, लगभग 3 दिन से 5 दिन तक का समय दिया था पुलिस ने, लेकिन क्या अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है किसी की? मैडम उस दिन आपके सामने मीडिया के सामने इन्होंने 4 दिन का समय दिया था, 4 दिन के समय के बाद पूरे हो जाने के बाद कोई मैसेज नहीं आया परिवार के पास, कोई इन्होंने आकर नहीं बताया कि हाँ जी हमने ये इन्वेस्टिगेशन की। 4 दिन के बाद जब हम लोग इनके पास में गए तो इन्होंने कहा जी हम आपके घर पे आएंगे, हमारे घर पे ये लोग इंचार्ज चौकी इंचार्ज अतुल मौर और ये रामजी लाल जी आए, पूरी पंचायत के बीच में इन्होंने बोला कि अतुल मौर ने तो ऐसी भाषा बोली, मैं कह रहा हूँ बेहिसाबी, मतलब परिवार को बिल्कुल रुला देने वाले। अतुल मौर इस चौकी के इंचार्ज है, और हमें तो उस दिन पता, इस चौकी के सब्जी मंडी चौकी के इंचार्ज है, नई सब्जी मंडी चौकी के इंचार्ज है। वो कह रहे जी हमारी तो तफ्तीश पूरी हो गई है, अब आप एसपी पे जाना चाहते हो एसपी पे चले जाओ, हम इसको मिसिंग डिपार्टमेंट में डाल रहे हैं, अब हमारी इसमें कोई ड्यूटी नहीं है। अरे मैंने कहा भाई आप ऐसी भाषा किस हिसाब से बोल रहे हो, आपको तो परिवार को सांत्वना देनी चाहिए, आश्वासन देना चाहिए कि हम करेंगे आपके साथ है। कह रहे जी अभी हमने और काम, हमारे पास बहुत है, हम अपने काम में जा रहे हैं। कहते हैं कि कोई भी चोर जो है पुलिस की नज़र से बचकर नहीं जा सकता, और कोई भी गुमशुदा व्यक्ति जो है पुलिस की नज़र से, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पुलिस की नज़र उसके ऊपर ना पड़े, क्योंकि पुलिस को माना जाता है कि बहुत ज़्यादा लंबे हाथ होते हैं। राजीव जी आपको क्या लगता है इतने ज़्यादा लंबे हाथ हो गए कि 2 महीने हो चुके एक व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाए? ऐसा है जी, अगर इंसान की नीयत हो तो सारे काम हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर एमएलए का कुत्ता गुम हो जाए, मेयर का कुत्ता गुम हो जाए, तो ये थाने वाले निकल के भाग ले, ठीक है ना। और जो ऐसे गरीब आदमी का या हम जैसे साधारण व्यक्तियों का घर में कोई नुकसान हो जाए, कल आना जी, परसों आना जी, पहले तो इवन इस थाने का तो ये हाल है, जो इसका मुंशी है वो रिसीव भी नहीं करता। अच्छा। रिसीविंग नहीं देता, वो पहले ही कानून जानना शुरू कर देता है, तेरा काम कंप्लेन लेना है भाई, तुम कहाँ राय दे रहे हो, कानूनी राय देने के लिए कोर्ट में बैठो आप। तो इन्होंने, पुलिस कप्तान ने इनको वैसे तो दिशा निर्देश दे रखे हैं, हमारी नज़र में है वो, ये हमारे शहर की खुश नसीबी है कि कप्तान बढ़िया है, अगर कप्तान बढ़िया ना हो तो बुरा हाल है यहाँ आम आदमी जाने से डरता है। अच्छा, पुलिस की अगर बात की जाए तो ये भी सुनने में आ रहा है कि परिवार के साथ पुलिस का रवैया बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो क्या परिवार के साथ बदतमीजी की जाती है? बिल्कुल, परिवार के साथ ये आपके प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत थोड़ा है, आपके सामने ही खड़े हैं, ये आपके सामने ही खड़े हैं, इनके साथ बदतमीजी करी है। इनको बोला गया आईओ है कोई, सुनील कुमार आईओ है इस केस का आईओ, वो इनको बोला कि आप मत आना आज के बाद, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अरे भाई तू इनको आने नहीं दे रहा, और वहाँ तो जा नहीं रहा, उनके घर जा नहीं रहा, 2 महीने हो गए FIR लॉज हुए, वो शख्स एक बार भी नहीं गया, और वो यहीं अपने बैठ के ना अपने हिसाब से FIR वो कार्रवाई करके तफ्तीश करके वो दफ्तर दाखिल कर दिया। चलो दफ्तर दाखिल कर दिया, अरे दफ्तर दाखिल कराया, वो बोला कि हम मिसिंग में डालेंगे इसको, मिसिंग डिपार्टमेंट है इनका। अरे इन बेचारों को बता दो मिसिंग का डिपार्टमेंट कहाँ का है, कहाँ वो कहाँ जाके पूछताछ करेंगे, कहीं तो पूछेंगे। इनका घर भी नहीं पता ये कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ वो एक बार भी नहीं गया यहाँ,
इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एक बार भी नहीं गया उनके। तो पुलिस के ऊपर आप नेग्लिजेंस का आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल 100% लगा रहे हैं। और ऐसा नहीं होना चाहिए, इनको सभ्यता से पेश आना चाहिए। बाहर से आदमी तंग होकर आता है थाने में, यहाँ तो बड़े से बड़ा आदमी भी आएगा। ये सेवा सुरक्षा सहयोग फिर मिटा दो, क्यों लिख रखी है, क्यों लोगों को धक्के में डाल रखा है। बिल्कुल, परिवार के कुछ सदस्य भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आप क्या लगते हैं उनके? आप उनकी पत्नी लगती हैं। ये बताइए कि लगभग 2 महीने का समय हो चुका है, कितनी बार थानों के अंदर चक्कर काट चुकी है? चक्कर काट दिए हमने। और नु कह दे उरा जाओ, उरा आवा तो कह दे वहां जाओ। मैं जिस दिन हमने FIR दर्ज करवाई थी ना, मैं शाम के टाइम आई, अगले दिन मैं कह लगी भाई साहब कुछ पता लग गया, नो बोले हमने तो वहाँ थाने में भेज दी। अच्छा, हम यूर है सब्जी मंडी से। हम 3 दिन का बाद फिर हम 10 जने फिर आए, फिर कहने लगे पता लगेगा तो बता देंगे। अच्छा फिर कमे फिर आवे तो फिर नू कह दे मैं हम पता लगेगा तो हम घर पता पर दे दे मांगे थम ना आइयो। इब हम तो हार गए थक थक के न, ये तो चाहे हमने गाड़ी तड़े कट का मरना पड़िया फिर जे इनकी जेल हो जाए तो हैं। हम ना तो हम पढ़े हुए मेरा घर बात हो कुएं गए तो इसका तो शर्म हो जाएगी। हम पढ़े लिखे मोटी चीज गुम हो जाए जी, उसको भी तहकीकात होती है जी। आज 3रा महीना लग गया हमारा घर से बंदा गायब हो रहा जी, उसकी आज तक भी कोई सुनवाई नहीं की जी। जब ये एक इंसान को नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो क्या लगता है कि इतने बड़े बड़े आतंकवादियों को कैसे पकड़ते हैं? नहीं पकड़ पाएंगे ये, हमारे को तो उम्मीद ही छूट गई जी। ये झूठे दिलासे देते हैं सब कुछ, हमारे पास ये कोई उम्मीद नहीं रही भी है। बड़े बड़े आतंकवादियों को पकड़ लेंगे या कोई दूसरी कार्रवाई कर लेंगे। जब हमारे घर का बंदा गुम हो रहा है उसको ही नहीं ढूंढ के ला सकते। नहीं, सब्जी मंडी चौकी के अंदर करनाल से भी कोई कनेक्शन जोड़ा जा रहा था, आप लोगों को कहा जा रहा था कि करनाल हमारे साथ चलिए, उस केस में क्या रहा? उस केस में ये है जी, हमारे पास साथ नहीं गए जी। आपने आप ही पता नहीं कहाँ से रिपोर्ट ले आके बोल दिया भाई, हमने लोकेशन ले ली करनाल से, लोकेशन मिली है लास्ट उसकी। मैं आपको बता रहा हूँ करनाल वाला आइडिया भी मैं बता रहा हूँ, ये करते हैं हवा में बात। कोई इन्हीं का आदमी है, कोई जानने वाला है या इन परिवार का आदमी है, उसने ये कहा कि मेरी करनाल में लास्ट बात हुई है उसकी। तो इन्होंने कोई उसके डॉक्यूमेंट लिए क्या, उसका फ़ोन लगाया गया इन्होंने ऑब्जर्वेशन पे, लास्ट लोकेशन देखी क्या, बस सुनी सुनाई बात में तो इनको आगे आश्वस्त करने की कोशिश करी कि भाई हम वो तो करनाल थी लास्ट वो उसकी लोकेशन। दूसरी बात ये, वो करने के बाद उन्होंने कहीं और से बात सुन दी भाई इनका पारिवारिक झगड़ा था। अरे पारिवारिक झगड़ा था, आदमी तो गया ना, मुद्दा तो आदमी का है, मुद्दा तो आदमी का है। वो जीवित है, किस हालत में है, वो इनको कोई मतलब नहीं है। आपको क्या लगता है कि गरीब आदमी है इसीलिए सुनवाई नहीं की जा रही? अगर यहाँ पर किसी मेयर का शायद कुत्ता तक गुम हो जाता उसकी भी सुनवाई की जाती होती जी। गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं जी, ना चौकी में ना थाने में ना कोई पुलिस वाला सुन रहा जी। हमारी 3 महीने से हम बहुत परेशान हो गए जी। क्या है? विनोद कश्यप के नाम से है जी ये। विनोद कश्यप, तो आपको बता देते हैं कि 56 साल के ये विनोद कश्यप है जो लगभग हिसार के 12 क्वार्टर से 3 महीने से गुमशुदा है। लगभग 2 महीने से ऊपर का समय हो चुका है और 2 महीने लगभग 5 दिन का समय हो चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। लगभग आप लोग देख सकते हैं कि अगर STM थाने की बात की जाए तो STM थाना हमेशा से ही अपने आप के अंदर मशहूर रहा है, और मशहूर इस वजह से रहा है क्योंकि वो आज तक किसी गुमशुदा की तलाश नहीं कर पाया है, किसी जो है किसी को न्याय नहीं दिला पाया है, किसी पीड़ित की सुनवाई नहीं कर पाया है। अगर बात की जाए यहाँ के मुंशी की तो उनके ऊपर भी लगातार आरोप लगते रहते हैं। आप मुझे ये बताइए, जब आप लोग गए थे तो आपको क्या कहा गया? क्या गया, झूठे दिलासे दिए जा रहे हैं जी, यहाँ से वहाँ भेज देते, वहाँ से यहाँ भेज देते। तो ये देख लीजिए लगातार जो है चक्कर कटवाए जा रहे हैं। सब्जी मंडी चौकी से हिसार के STM थाने के अंदर भेज दिया जाता है, यहाँ से कहा जाता है कि हमने तहकीकात पूरी कर ली है, मिसिंग डिपार्टमेंट के अंदर आपका केस भेज रहे हैं, लेकिन परिवार जानता ही नहीं है कहाँ है मिसिंग डिपार्टमेंट, क्या है मिसिंग डिपार्टमेंट, कौन है मिसिंग डिपार्टमेंट। जब पुलिस तफ्तीश करने के लिए रखी हुई है तो तफ्तीश के लिए पुलिस को अपनी तफ्तीश करनी चाहिए, क्यों जो है पुलिस अब तक तफ्तीश नहीं कर रही है? सेवा सुरक्षा सहयोग का नारा लगातार पुलिस कर्मी
कर्मी देते हुए आते हैं, पुलिस के अलग अलग कैंपेन चलते हैं उसके अंदर ये नारा दिया जाता है, लेकिन ग्राउंड लेवल के ऊपर धरातल के ऊपर ये नारा किसी भी काम का लगता हुआ नहीं नजर आता है, क्योंकि ये परिवार लगभग 2 महीने से चक्कर काट काट के परेशान हो चुका है। खैर आपको बता देते हैं कि विनोद कश्यप नाम का व्यक्ति हिसार के 12 क्वार्टर का रहने वाला, गली नंबर 3 शिव मंदिर वाली गली का रहने वाला, अगर आप लोगों को कहीं पर भी दिखाई देता है तो आप लोग भी जो है अवगत करा सकते हैं परिवार को। किन नंबरों के ऊपर बता सकते हैं? 70-823-56-850 जी। तो एक बार दोबारा 70-823-56-850। इंग्लिश में बता दीजिए। 7082356-850। तो इस नंबर के ऊपर आप कॉल करके परिवार को अवगत करा सकते हैं, और आपकी शेयरिंग की वजह से हो सकता है कि एक परिवार को उनका गुमशुदा पिता, उनका गुमशुदा पति, उनका गुमशुदा ससुर मिल जाए। खैर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। यदि साक्षी सोन की रिपोर्ट हिसार के मिलगेट एरिया से। नमस्कार।